तो गाइस ताऊ जी कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी। ये आलू कट हो गए, ये टमाटर, ये गोभी। मैं आपको एक डिफरेंस चीज दिखाता हूँ, ये देखो इस। अच्छा ये लाई है, ये सरसों है, इसको कुमाऊनी बोलते हैं। देन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज पहाड़ों में बहुत कई वाली धूप लगी हुई है, कल तो पूरी बारिश होती, अब यहाँ पे आपको बादल दिख रहे होंगे हल्के हल्के। और चाची जी लगी हुई है सफाई पे, जो भी हमारी गोबर होती है उसको यहाँ से खेतों में डाल रही है। योगी स्कूल के तैयार हो गए, योगी वहाँ से पलटेगा ना नीचे गिर जाएगा। गाइस अभी टाइम है सुबह की चाय पीने का, तो मम्मी जी मेरे को चाय पीने के लिए बुला रही थी, तो सबसे पहले चाय पीते हैं। पापा जी भी चाय पी रहे हैं और मम्मी जी भी, और डेग में गरम भरा दूध। चाय भूल गए थे, मैं चाय भूल गया था, चाय हमेशा गुड़ वाली रहती है हमारी। गाइस डेग में दूध गर्म हो रहा है, तो बोलते हैं पहाड़ में नजर लग जाती है, ऐसा सच होता है? कोई नजर नहीं लगती है, कोई नजर नहीं लगती है, जिसको नजर लगानी वो लगा सकता है, कुछ नजर नहीं लगती है, ये हमारा मानना है। ये अपना गुड़, ये अपनी चाय। आजकल किचन में सुबह सुबह धूप आके देखो, मेरे उठने से पहले किचन में धूप पहुंच जा रही है आजकल। योगी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अरे वाह दस्ताने, अभी भी ठंडा हो रहा है क्या? उल्टा लगा रहा, पांच ही है, पांच कहाँ गए? पांच ताने कहाँ गए? पांच ही है, एक कहाँ है? एक झोले में, एक ही आठ में ठंडा होगा बस। आज नमस्ते भी नहीं, प्रणाम भी नहीं, गुड मॉर्निंग भी नहीं, क्या चल रहा है ये? नमस्ते, नमस्ते, बड़े हो जा रहा, मन लागे पढ़ना, ठीक है, ओके बाय बाय। तो गाइस योगी अकेले के जा रहे, बाय 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 बच्चे बाय। चाचा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ओके बढ़िया। कमांडो डबू आ डबू, स्कूल के बच्चे स्कूल जाने लग गए। अरे 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 काटेगा नहीं, नहीं अबे मत कर, क्यों भूख रहा है दीपांश को काटने लगा कुछ। अरे भाई तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 10 और मेरे को जाना रीटा साहब की मार्केट ताई जी को लेके। जब भी फेस पे धूप चमकती है ना, इतना ज़्यादा फेस चमकने लगा, बहुत ज़्यादा। तो हेलमेट हम लेके जा रहे हैं, पिछली बार जब मैं गया था तो मैं हेलमेट लेके नहीं गया था, आज तो हेलमेट लेके जा रहा हूँ, तो मोटो ब्लॉग भी होगा। तो ताई जी पहले से रोड पे चली गई है, और आज पहाड़ों में बहुत अच्छा वाला मौसम हो रखा है। ताई जी को कल शाम से बुखार आ गया, ताई जी को हॉस्पिटल दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, इंजेक्शन लगाएंगे दो चार। पिछली बार ताई जी को लेके गया था, टाके लगाने, ताई जी ने नखरे दिखाए, आज तो जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के लाऊंगा मैं। गाइस मेरे साथ आज दिक्कत ये है कि मेरे पास इसका केस नहीं है बाहर के कैमरे की, तो पता नहीं कितना कवर कर पा रहा होगा कैमरा। अगर एंगल सही रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो दिक्कत। गाइस अभी मैंने गाड़ी लगा दी पर रोड पे, तो ये पूरा कवर था गांव है जो आपको पूरा दिख रहा है। तो ताई जी आगे चल रही है, अभी हम लोग गाड़ी वहाँ लेके नहीं गए, ताई जी ने बोला कि यहाँ से जाएंगे नदी से होते हुए, पुल से जाने को मना किया, ये थोड़ा शॉर्ट है। हेलमेट पहनने के बाद बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, पूरे बाल की हालत ख़राब हो गई, पर हेलमेट से सुरक्षा तो होती है पर बाल ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर इतनी प्यारी सी खेती हो रखी है, क्योंकि नदी के किनारे खेत ना, पानी की कोई कमी रहती नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार, कि बारिश के पानी के लिए बनाया हुआ, जिससे कि ऊपर गधेरे का पानी आएगा ना, यहाँ से सीधा निकलेगा सीधा नदी पर, यहाँ के खेतों को नुकसान नहीं करेगा और यहाँ वाले खेतों को भी। पूरा कवर था गांव जो आपको दिख रहा है, अभी तक हम लोग इसके ऊपर ऊपर होते जाते हैं, अब यहाँ से मिल गया हमको रास्ता, तो यहाँ से हम नदी क्रॉस करेंगे, सामने गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब। तो रीटा साहिब आके सबसे अच्छी बात यह है कि हमको गुरुद्वारा के हमेशा दर्शन हो जाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रीटा साहिब की मार्केट के लिए, पीछे रहा गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब। और ताई जी बहुत आराम से चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ गया ना, बिल्कुल रुक रुक के, तो ताई जी के साथ रुक रुक के जाना हो रहा है। ये पूरा दिवड़ी गांव आपको दिख रहा होगा, पूरा दिवड़ी गांव है। तो सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, कुछ लोग खेतों पर गए हुए हैं काम करने के लिए, और कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि आज बहुत प्यारी वाली धूप आई हुई है। इस बस ताई जी की हालत ख़राब है, चलो थोड़ी देर में पहुँच ही जाएगी। नाम कह रही सब ना, क्या कर रहे हो ऋषभ, क्या कर रहे हो आप? गाइस ताई जी को अभी दिखा रहे हैं, तो ताई जी को इंजेक्शन लगाने बहुत बड़े बड़े पिछली बार टाके लगाने का मना कर दिए थे। हाँ बाबू बताओ क्या हो गया, क्या कर रहे हो आप? खाइए, भूख लगे ना लगे खाना खाइए। गाइस ताई जी का बीपी भी लो है और बुखार तो थोड़ा कम है, अब खान कर
ये तो कोना खान खाली, ये बिल्कुल सोच में डूब गए थे। इंजेक्शन लगेगा नहीं लगेगा? इंजेक्शन नहीं लग पाएगा, खाली पेट है कैसे लग जाएगा। हाँ ये भी है और कमजोरी भी है अभी, ठीक है। उनके लिए भूख लगने वाली टॉनिक दे दूंगा जिससे खाना ना खाए, दो रोटी ज़्यादा खाए। हाँ। दो बजे का चार खाए ना। अभी अपनी मार्केट से हम लोग जाने लगे घर को, तो ताई जी तो पहले चली गई है। मैंने थोड़ा सामान लेने था ले लिया, क्योंकि ताई जी थोड़ा बीमार है ना, तो ताई जी आराम आराम चलेगी। ताई जी आगे चली गई है, मैं थोड़ा पीछे पीछे जा रहा हूँ। गाइस अभी आ गए हम लोग घर पे, और घर पे आते चला मेरा खाना, तो मम्मी लोगों ने खाना बना दिया था। मम्मी और पापा ने तो पहले खा लिया, मैं थोड़ा लेट आया तो इसलिए थोड़ा लेट खाना चल रहा है। गाइस छत पे सूख रही हमारी सरसों, तो इसका कलर कुछ ऐसा, इसका अलग। मम्मी हो गई जी, अच्छा ये लाई है, ये सरसों है, इसको कुमाऊनी बोलते हैं। देन और ये गन ये वाली गन, ये वाली गाइस जाड़ों में बोई जाती है, ये वाली गर्मी में, ये गेहूं के साथ होती है और ये जाड़ों में होती है, तो दोनों सूख रही है आराम से। गाइस अभी बजे दिन के 3 और मेरे को जाना है बिनवाल गांव पे। सामने आपको जो गांव दिख रहा होगा इस वाली पहाड़ी पे, वहां पे मेरे को जाना है, वहां पे है शिव पूजा। तो गाइस वहीं पे जाते हैं। चाचा जी अभी घर से आएंगे, मेरे को मेन रोड पे मिलेंगे और एक बूबू जी नीचे मिलेंगे। तो ये रही अपनी गाड़ी, तो यहां पे आपको टाइम दिखा देगा कितना हो रहा है, 3:11, तो यहां से निकलते हैं अभी। अभी मैं रुका हूँ बुबू जी की दुकान पे, तो बुबू जी मेरे साथ आ रहे हैं और बुबू भी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, है ना बुबू। सामान आ रहा बुबू का, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है। और ये बुबू की दुकान, तो बुबू की दुकान में इतना सारा सामान है, सारा परचून का सामान। जब मामा जी थे तब तो यहाँ पे चाउमीन सब कुछ बनती थी, पर अब मामा जी पूना है तो बुबू है, तो गाइस पूरा परचून का सामान है यहाँ से पूरा। यहाँ पे ये पूरी सब्जी और गाड़ी आने वाली होगी, गाड़ी का वेट करते हैं। गाइस गाड़ी भी चली गई है और बुबू जी ने भी शटर बंद कर दिया, अभी अब निकलते हैं हम भी गाड़ी के पीछे पीछे। चलो गाइस चाचा जी भी आ गए हैं, तो भूपन दादा सामान उतरा दुकान का। गाइस फाइनली हम लोग बिनवाल गांव पहुंच गए, तो ये पूरा बिनवाल गांव है और मेरे हाथ में डब्बा। गाइस ये मेरे को देना पड़ेगा, इसमें है मट्ठा का बनेगा रायता, तो देख के आते हैं। सब ठीक ठाक? बढ़िया। आलसी ना? अरे आलसी नहीं है। तो गाइस ताऊजी कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी। ये आलू कट हो गए, ये टमाटर, ये गोभी, वो भी आलू, ये भी आलू, ये बॉईल किए हुए हैं और ये कच्चे हैं, है ना ताऊजी? हाँ ये कच्चे। अच्छा बढ़िया। और घर में सब ठीक है? ताइयों से ठीक है ना? चलो बढ़िया। भाई साहब नमस्कार, ठीक छा? और भैया की नाम बाबू? दीपक। गाइस अभी शाम के बजने 6 और मैं हूँ नीरज भैया के साथ, तो आराम से मैं बातें कर रहे हैं। तो नीरज भैया और मैंने भाई साथ में पढ़ाई करी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट से, भाई हमारे कॉलेज के पहले मित्र, तो यहाँ पे रहते हैं भाई भैया आराम से। तो यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे होती शिव पूजा, तो सभी लोग नीचे, हम लोग तो आराम से रोड में बैठे हुए, और यहाँ से अपना गाँव भी दिख रहा है इस वाली पहाड़ी पर, और पूरी धूप जा चुकी है, अब कुछ टाइम में शाम ही हो जाएगी। अपना गाँव होता तो हम लोग कुछ काम कर रहे होते, यहाँ मेहमान माने के नाज, और साथ में यहाँ आके अच्छा लगा कि नीरज भाई से मुलाकात होगी। और काफ़ी टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो हम यहाँ बैठे हुए थे, सभी लोग तो नीचे चले गए, तो थोड़ी देर और बातें करते कम होगी ना, दोस्ती में लंबी बात हो जाती है। हाँ दोस्ती में लंबी बात हो जाती है ना, जो काफ़ी टाइम के बाद मिलो तो। गाइस आपको एक डिफरेंस ही चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो इसके पत्ते होता है खट्टे मीठे होते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ उसको? हमारे यहाँ तो होता ही नहीं, नहीं होता है। चलो इसके पत्ते आगे देखो, टेस्ट होता ना इसका कैसा हो रहा है? यार खट्टे खट्टे मोड़े जैसा हो रहा है। हाँ इसको हम लोग बोलते हैं चलमोड़ा, बोलते हैं, मेरे को याद है कुमाऊनी माँ, इसको चलमोड़ा बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज। इसको हम दो तरह का यूज़ कर सकते हैं, एक तो इसका झाड़ू बनता है और दूसरा इसको बकरियों खिलाते हैं। और ये वाले पत्ते हम भी खा सकते हैं, ये पानी की ना कमी को दूर करता है, जंगल में जैसे आपको पानी ना मिले ना इसके पत्ते खा लो तो पानी की कमी दूर कर देगा, थोड़ी एनर्जी देगा। ये भी मेरे को अचानक ही दिखा तो मैंने आपको भी दिखा दिया।
गाइस अभी पूरी शाम हो गई है और तो अभी सभी को खाने के लिए बुला रहे हैं, तो हम लोग भी आते हैं खाने के लिए। खिमो भाई, हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए और आपको कुछ भी दिखेगा, फोन की फ्लैश लाइट से ब्लॉक करना पड़ रहा है। यहाँ पे गाइस ताऊ जी बैठे हुए हैं, भैया लोग देखो, चाचा वहाँ बैठे हुए हैं और खिमो भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे बंदा सामने खाना, तो वहाँ पे बूबू जी खाना खा रहे हैं। जी अपनी थाली थाली पे सब्जी और पूरी, तो भी खाना कम्प्लीट करते हैं। खिमो भाई हेलो, आ जाओ खाना खाने। पहले तुम तो खा लो, चेक करके बताओ कैसा हुआ खाना, चेक करो जल्दी, तीन काउंट कर दो जल्दी भाई जल्दी। मजा आ गया। तो भाई चलो खाना कंप्लीट करते हैं, थोड़े पसंद।